आपको पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ। कपड़ा है 2.25 मीटर। ये कपड़ा खड़े, ये पैंट जो है खड़े कपड़े में कटिंग होती है क्योंकि बेड़े में नहीं होती है। ये मैंने कपड़ा फैला लिया है। हम पहले लेते हैं नीचे मोहरी के लिए कपड़ा। पहले निशान लगाते हैं मोहरी का 3 इंच नीचे। लंबाई है 32 इंच। अब प्लास्टिक मोड़ने के लिए पैंट दोस्तों 2.25 मीटर से नहीं बनती है। अगर छोटी लंबाई अगर कम है तो 2 मीटर में बन जाएगी, वरना 2.25 मीटर से कम कपड़ा लगता नहीं दोस्तों अच्छी पैंट कटिंग करने में। मैंने प्लास्टिक का भी निशान लगा लिया, नीचे मोहरी का भी लगा लिया। आप लेते हैं बेल्ट, बेल्ट है 48 इंच, 48 का 14 घात 14 इंच। आसन भी दोस्तों 14 इंच। निशान लगा ले दोस्तों 14 इंच। अब 2 इंच ये दोस्तों गलाई के लिए। अब ये 14 है, 14 का आधा 7 इंच, 7 इंच पर निशान लगा दिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर ये कटिंग कैसी लगी। अब हम दोस्तों मोहरी भी 12 इंच के दोस्तों या 13 इंच को है तो हम लेते हैं 4 इंच, क्योंकि 4 इंच से लेने से
कम ज़्यादा होता है तो मार्जिन ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर कम होता है तो पैंट में कहाँ से लाया जाए, इसलिए अपना मार्जिन 1 इंच 2 इंच ज़्यादा ही रखना चाहिए। इधर दोस्तों 4 इंच इधर मैंने निशान लगा लिया मुंडी के लिए 4 इंच। अब मेरे पास दोस्तों स्केल है, स्केल से बहुत अच्छा थाई की नाप बहुत अच्छी आ जाती है, इसी में सब आ जाता सही से। ऐसे ये स्केल से थाई का निशान लगाने में लगाना नहीं पड़ता दोस्तों। अभी इधर से भी स्केल से खींच लिया, अब इसको हम दोस्तों काट के निकाल दे रही हूँ। दोस्तों हमने काट के निकाल दिया, अब हम फिर से ये कपड़ा फैलाते हैं दोस्तों, क्योंकि खुली साइड अपने साइड बंद साइड रखना चाहिए, खुली साइड अपने तरफ रखना चाहिए। अब इसी को रख के दोस्तों हम स्टार्ट करें। ये दोस्तों मैंने बराबर करके रखी है, क्योंकि आगे वाले पल्ले के आगे वाले फ्रंट से दोस्तों पीछे वाला फ्रंट 2 इंच ज्यादा काटा कटिंग होती है। अब 2 इंच पे ये हम निशान लगा रहे हैं। दो इंच दोस्तों बढ़ा के नाप लगेगी, अभी 14 इंच है, 14 इंच का ये हो गया इंच। ये 2.5 इंच बढ़ाएंगे दोस्तों। हम 2 इंच का ये गोलाई का लगाते हैं सर। पीछे वाले पल्ले में दोस्तों ये लटक होती है, लटक हम 1.5 इंच की कटिंग कर ले रहे हैं दोस्तों, लटक हो गई, क्योंकि पीछे बैठने में पीछे का पल्ला चौड़ा होता है, इसलिए 1.5 इंच रखना चाहो तो 1.5 इंच नहीं तो 2 इंच ऐसे करते हैं दोस्तों। ये लाइन पीछे दे रहे हैं, ये लटक का निशान हो गया। अब हम वही स्केल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो
कि बंद साइड 2 इंच का निशान लगाना पड़ता है, खुली साइड नहीं दोस्तों लगाना पड़ता है। और इसको हम काट के दोस्तों निकाल ले देंगे। इसको काट के निकाल के इसलिए 2 इंच का मार्जिन लिया जाता है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे अगले वीडियो में जो डालेंगे वो आप तक की पहुंच जाएगी दोस्तों। ये हो गया दोस्तों, ये भी का फ्रंट करते हैं, यानी दोस्तों फ्रंट में यानी लगाने से फटती नहीं, इसलिए यानी जरूरी होता है दोस्तों। मेरी दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी रहती है, इसलिए आप अंत तक की देखेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा। जिसको दोस्तों हम यानी कटिंग कर ले रही हूँ। इसमें सीधा उल्टा दोस्तों कपड़ा भी देखना है, ये कि निशान लगा देते हैं इधर, ये उल्टा है दोस्तों, ये भी उल्टा ऐसे करके चल जाता है सीधा पानी उल्टा पानी। अब हम दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं।